Hello students welcome back to your science session now we have already started with our chapter number 14 that is our neighbors in space in previous session we saw about the solar system and now in this session we will see about earth and its moon the blue planet or the earth is different from the other planets in many ways okay as we know all know that earth is little different from

Moon and the moon has mountains, valleys, old volcano sites, and many bowl like holes called craters. Can you see in the picture there are craters, which bowl like uh, uh, holes hai, kya hai? craters on its surface. Now, it is not a luminous body, but it shines because it bounces back the light of the sun.

थोड़ी आड़ी है ओके एंड द टू अपोजिट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस थ्रू विच इट्स एक्सिस पासिस आर नोन एज पोल्स ओके और टू अपोजिट साइड ओके एज वी ऑल नो अर्थ के दो पोल होते हैं ओके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सी कैन यू सी इन द फिगर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स ओके दे आर नोन एज पोल्स एंड द अर्थ एक्सिस रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल अर्थ की एक्सिस जो है कैसे मूव होती है नॉर्थ पोल मीन्स ऊपर से नीचे साउथ पोल तक ओके एंड द इक्वेटर इक्वेटर इज एन अनदर इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पोल्स ओके इमेजिनरी लाइन कौन सी है इक्वेटर बीच वाली जो ओके कैन यू सी मिडल लाइन इक्वेटर दैट इज वॉट नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो आधा होता है वो इक्वेटर ओके एंड इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर ओके जो पोल साउथ की तरफ है उसे कहते हैं सर्दर्न हेमिस्फीयर और जो पोल नॉर्थ की तरफ है ओके okay, उसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ दैट इज फर्स्ट इज रोटेशन एंड द सेकेंड इज रिवॉल्यूशन ओके ओके नाउ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन ओके एक्सिस पे जो होते हैं जो अर्थ जो है मूवमेंट करती है उसे क्या कहते हैं रोटेशन ओके इट टेक्स ट्वेंटी फोर आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ और इट्स टिल्टेड एक्सिस कॉज डे एंड नाइट ओके टिल्टेड एक्सिस जो है मीन्स रोटेशन अगर अर्थ रोटेट हो रहा है तो ही क्या होगा डे एंड नाइट होता है ओके द हाफ द हाफ दैट फेस इज द सन हैज डे ओके जो हाफ पार्शन पोर्शन है जो सन की तरफ फेस होता है वहाँ क्या होता है डे होता है एंड द अदर हाफ पोर्शन विल हैव नाइट ओके कैन यू सी इन द फिगर जो हाफ पोर्शन है वो ज़्यादा ब्राइट है तो वहाँ पे क्या है डे एंड द पीछे वाला जो पोर्शन है जहाँ सन नहीं है तो वहाँ क्या होगा

अराउंड द सन इन 365 एंड वन फोर्थ डे ओके 365 और वन फोर्थ डे पे क्या है कि अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं ओके एंड दिस टाइम पीरियड मेक्स वन ईयर ऑन द अर्थ ओके और ये टाइम पीरियड कैसे होता है एक साल हो जाता है ओके एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन सीजन सी नाउ ये अर्थ रिवॉल्व होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन सीजन

तो वहाँ पे क्या होगा वार्मर डेज होंगे वार्मर मीन्स ज्यादा गर्मी वाले दिन होंगे ओके और सनरेस डायरेक्टली वहाँ पे होंगे गए देर फॉर दिस हेमिसफियर हैज़ समर सीजन ओके तो जो साइड सन की तरफ है ज्यादा वार्मर है तो कब कौन सी सीजन होगी ऑब्वियसली समर सीजन एंड द अदर हैमिस्फियर रिसीव स्लेंटिंग रेज ऑफ द सन स्लेंटिंग रेज मीन ज्यादा नहीं आती है थोड़ी थोड़ी रेज आती है ओके

एंड द रीजन ऑफ द अर्थ नियर द इक्वेटर रिसीव ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर ओके और जो इक्वेटर के पास जो होती है रीजन जो है इक्वेटर वाला तो वहां पर क्या होता है ऑलमोस्ट पूरे uh, हमेशा कैसे होते हैं सनलाइट ही रहती है ओके सनलाइट थ्रू आउट द इयर एंड दिस रीजन ऑलवेज रिमेन्स हॉट एंड हैज डेज एंड नाइट ऑफ इक्वल ड्यूरेशन ओके okay. सेम ही रहता है जैसे ट्वेल्व आवर्स ईच ओके ऑन द अदर हैंड द पोल्स रिसीव सनलाइट ओनली फॉर सिक्स मंथ्स एंड रिमेन्स डार्क फॉर द नेक्स्ट सिक्स मंथ ओके और अदर हैंड पे क्या होता है जो हमेशा डार्क ही रहता है ओके okay. और सिक्स मंथ्स के लिए डार्क होता है और सिक्स मंथ्स के लिए डे uh, होता है ना यू विल टॉक अबाउट स्टार्स ना यू कैन सी टाइनी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द साइन स्काई ऑन अ क्लियर नाइट ओके अभी आप सबने स्टार्स तो देखे ही होंगे न दिज अपीयर सो स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम द अर्थ ओके आपको आपने कभी सोचा है स्टार जो है वो इतने छोटे क्यों हैं क्योंकि वो अर्थ से बहुत ही ज्यादा दूर है ओके एंड अ स्टार इज अज बॉल ऑफ गैसेस विच गिव्स आउट हीट एंड लाइट एनर्जी ओके अब ये स्टार जो है वो क्या है गैस के बड़े बड़े ह्यूज बॉल्स हैं ओके और वो क्या है वो हीट एंड लाइट एनर लाइट उससे उनसे एमिट होते हैं ओके एंड स्टार्स डिफर ग्रेटली इन दे आर साइजेस अभी स्टार्स जो है वो हर एक स्टार अपने अलग अलग साइज का होता है ओके एंड सम स्टार्स आर वेरी स्मॉल वायल सम आर वेरी बिग एंड वी सी स्टार्स इन ग्रुप इन द स्काई अभी स्टार्स को हमने कैसे देखते ग्रुप में ही देखते ओके okay? सो दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड गैलेक्सीज क्या कहते हैं उसे गैलेक्सीड सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टार्स टू फॉर्म अ रिकोगनाइजेबल पैटर्न इन द स्काई कभी आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ ऐसे पैटर्न बनाते हैं ओके थ्री स्टार्स जो है वो साथ में रहते हैं और ऐसा कुछ ओके सो दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस एंड सम ऑफ द कॉन्स्टेलेशंस आर अर्सा मेजर अर्सा माइनर एंड ओरियोन So this was all about your stars and the rotation and revolution. Thank you.